हाय गाइस, मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोगों का ढाका में ये थर्ड डे है और लास्ट डे भी, कल हम लोगों का सुबह फ्लाइट है। तो अभी आज का प्लान है, हम लोग पहले ढाकेश्वरी टेम्पल जाएंगे, फिर लालबाग फोर्ट, नहीं बीच में लंच भी करना है ना, तो वही मेन एजेंडा है। अरे कल थोड़ा जल्दी उठ गए थे और आज और लेजी हो गए, अभी 11 बजे रेडी होके निकले हैं, क्योंकि जो टेम्पल है वो भी 9:30-10 बजे खुलता है। और जैसे आज मंडे है तो लालबाग फोर्ट जो है वो भी 1:30 या 2 o'clock को ही खुलेगा। तो और जैसे हम लोग कल गए थे उस एरिया में और वो यहाँ से अभी 1.5 घंटा तो ले ही लेगा, तो हमने सोचा कि ऐसा टाइमिंग में जाते हैं कि जैसे लंच के टाइमिंग में वहाँ पे पहुँचेंगे और लंच कर लेंगे और थोड़ा घूम के एकदम से आ जाएंगे यहाँ पे वापस। और फिर से मतलब ट्रैफिक में रुकने का वो पेशेंस गैदर कर रहे थे। ढाकेश्वरी टेम्पल पहुंच गए हैं, ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं ढाकेश्वरी टेम्पल। ये 5 किलोमीटर था और हमको लगभग 45 मिनट्स लगा, वो भी उतना ट्रैफिक नहीं था उसके लिए। तो अभी एक हिंदू टेम्पल है यहाँ पे ढाकेश्वरी, मतलब ढाका की देवी। ये टेम्पल ढाका में हिंदू लोगों का एक बहुत इम्पोर्टेंट टेम्पल है और हिंदू रिलीजन का ओरिजिन यहीं से हुआ था, जो बांग्लादेश में माना जाता है। 12th सेंचुरी से है ये टेम्पल, एग्जैक्ट डेट को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। ये अभी का जो टेम्पल है वो बहुत रिनोवेटेड होगा और यहाँ पे बहुत सारे जो भी हिंदू फेस्टिवल्स है बांग्लादेश ढाका का मनाया जाता है। हम लोग अभी ये दुर्गा पूजा का पोस्टर देख पा रहे हैं इसे, तो अभी अंदर जाते हैं, अंदर शायद वीडियो नहीं करेंगे, अलाउड नहीं है, तो जाके देखते हैं अभी क्या है अंदर। टेम्पल में थोड़ा टाइम लगा, भोग चढ़ रहा था देवी के पास, तो वहाँ पे आधा घंटा हम लोग को वेट करना पड़ा। अभी वो ख़त्म करके अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आना भी जाए। गाइज हम लोग अभी पहुंच गए हैं लालबाग फोर्ट। सो इसके बारे में ये थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में, तो मैं थोड़ा इसमें मैंने पढ़ा, मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या है स्टोरी। तो जो औरंगजेब थे इंडिया के रूलर, जब रूलर थे वो, तो उनका जो थर्ड सन था अहमद शाह, तो अहमद शाह को उन्होंने वायसराय करके भेजा था बंगाल के लिए। हाँ, तो जब बंगाल हमारा वेस्ट बंगाल और इनका जो है बांग्लादेश जो एक था, तो उस टाइम पे वायसराय करके भेजा था अहमद शाह को। तो अहमद शाह जब यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि एक पैलेस बनाता हूँ यहाँ पे, एक फोर्ट किले जैसा बनाता हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया था यहाँ पे। और फिर क्या हुआ कि जब वो 15 मंथ्स यहाँ पे थे, उन्होंने ये किला बनाना चालू किया। फिर क्या हुआ कि औरंगजेब ने उनको बुला लिया कि आ जाओ भाई अभी दिल्ली आ जाओ, दोनों मिलकर फाइटिंग करते हैं अभी। तो किसके अगेंस्ट में, मराठा के अगेंस्ट में ऐसा था। तो अभी जब उनको बुला लिया, अभी औरंगजेब को बारे में तो आपको पता है, तो उनके बेटे को जाना पड़ा। फिर वो जब गए, फिर क्या हुआ कि उनके जो सूबेदार थे और उनके बेटी को अहमद शाह ने शादी किया हुआ था, जिनका नाम था बीबी परी। तो बीबी परी के जो फादर थे उन्होंने फिर उसका कंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद से वो देख रहे थे। फिर क्या हुआ कि अचानक से बीबी परी जो है उनकी बेटी और अहमद शाह के जो वाइफ थे वो चल बसे। तो व्हेन सी डाइड, फिर क्या हुआ कि उनके जो फादर थे और जो सूबेदार थे, साहिस्त खान था उनका नाम, तो वो क्या, ही वॉज हार्ट ब्रोकन, और उन्होंने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया। और ये जो किला है, आप ये जो फोर्ट है ये आधा ही है, ये पूरा बन ही नहीं पाया। और जो कि यहाँ पे दिखता भी है थोड़ा थोड़ा, मैं अगर यहाँ पे घुमाऊँ
ये कंस्ट्रक्शन भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा इनकम्प्लीट है। और ये जो दिख रहा है, ये जो सेंटर में है, ये है बीबी परी मॉस्क, ये है बीबी परी टूम। यहाँ पे उनको दफनाया गया है, बीबी परी को। तो ये है मेन बिल्डिंग, और बाकी चारों तरफ आई थिंक ढाका का ये सबसे प्रोमिनेंट और सबसे खूबसूरत जगह है, जिसको गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से मेंटेन, ये सबसे अच्छा मेंटेन वाला मेंटेन किया हुआ है। चारों तरफ फ्लावर्स और एंट्रेंस भी इधर इंडियंस के लिए 100 टाका बांग्लादेश टाका लगा हमको, जो कि 85 रुपीज़ है, विच इज़ डिसेंट। मतलब और अगर आप सार्क नेशन से नहीं है तो 200 टाका यहाँ पे लगेगा, बट आई थिंक दिस इज द प्लेस आई लाइक द मोस्ट इन ढाका टिल नाउ, यही सबसे अच्छा लग रहा है थोड़ा। एक म्यूज़ियम भी है इस लालबाग फोर्ट के अंदर, और वहाँ पे राजा इन लोगों का सबका नाम लिखा हुआ था। तो एक चीज़ मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया था, मैंने अहमद शाह बोला था, बट एक्चुअली उनका नाम अहमद शाह नहीं था, आजम शाह है। आजम शाह है औरंगजेब के थर्ड सन, तो ये थोड़ा गलती हो गया, बट ठीक है, हो जाता है कभी कभी। बट काफ़ी अच्छा प्लेस है ये ढाका में, कोई तो मतलब तो एक ही जगह है जो सबसे अच्छा लग रहा था हम लोगों को भी। ये शायद पहले पॉन्ड हुआ करता था उनका, लेक हाँ जो भी है। और ये कुछ देखिए, ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, जो जैसे हमने बताया था कि बहुत सारे स्ट्रक्चर पूरा लास्ट तक फिनिश नहीं हो पाया ये फोर्ट, कुछ स्ट्रक्चर्स है अभी भी इनकम्प्लीट जो दिख रहा है यहाँ पे। सो गाइस, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर बांग्लादेश ट्रिप। हमारा बांग्लादेश ट्रिप ख़त्म होने वाला है, कल सुबह हम लोगों का फ्लाइट है 10 बजे, तो हमको 7 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। 7 बजे आई थिंक और जल्दी निकलना पड़ेगा, आज जैसे लालबाग फोर्ट गए हम लोग, और उसके बाद हम लोग 2-3 घंटा तो ट्रैफिक में ही स्टक रह गए, और उसके वजह से हम लोग कोई वीडियो नहीं बना पाए उस टाइम पे। और उसके बाद इतना ज़ोर से भूख लगा कि हम लोग जाके फिर से वो स्टार कबाब जो हमारे घर के पास है वहाँ पर जाके खाए, और आके अभी एकदम टायर्ड है, पैकिंग भी करना है और सुबह उठ के जाना भी है। हम लोगों का बांग्लादेश का वीजा प्रोसेस इतना हेक्टिक और इतना डिसअपॉइंटिंग था, तो हम लोग पूरा स्केप्टिकल थे इस ट्रिप के बारे में। तन्मय वाज लाइक होगा वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, सब नहीं जाते हैं। बट आफ्टर 3 डेज इन ढाका आई विल से कि परसेप्शन बहुत चेंज हो गया है, जैसे कि लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, खाना तो बहुत ही अच्छा है। तो हमारा पूरा 3 दिन का जर्नी पूरा फूड हंट, एक्सटेंडेड फूड हंट आप बोल सकते हैं, और बीच बीच में हम लोग थोड़ा साइट सीइंग कर रहे थे। तो फूड लवर के लिए तो मेक्का है, अगर आपको चिकन और मटन अगर पसंद है तो आप डेफिनेटली बांग्लादेश या ढाका आपके बकेट लिस्ट में रहना ही चाहिए। हम लोग बहुत सारा बिरयानी ट्राई किए, और जो कुछ लोकल से भी मीट किए, तो लोकल्स भी जहाँ जहाँ रेकमेंड किए हमने वो सब जगह खाया है। और स्वीट डिश भी बहुत ही अच्छा है, अगर आपने कोलकाता का स्वीट डिश कभी खाया है तो ढाका का स्वीट डिश तो आपको और भी अच्छा लगेगा। हम लोग तो वी आर लाइक ऐसा भी मिठाई यहाँ पे बनता है। तो मीट लवर्स के लिए यस, डेफिनेटली पैराडाइज है। और स्ट्रीट फूड भी अमेजिंग स्ट्रीट फूड मिलता है, जो पानीपुरी एंड झालमुड़ी एंड समोसा वो सब बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है। देन स्वीट्स, सो इट्स अ पैराडाइज फॉर फूड लवर्स। और हमने बहुत जगह का ट्रैफिक देखा है मुंबई में रहने के बाद, हमको लग रहा था कि वर्ल्ड में शायद मुंबई एक जगह है। मुंबई देखा है, दिल्ली देखा है, पुणे देखा है, बैंगलोर भी देखा है,
बट यहाँ के ट्रैफिक के साथ वो कंपेयर नहीं कर सकते। तीन तीन किलोमीटर चार किलोमीटर हमको दो दो घंटे डेढ़ घंटे लग रहे हैं। क्या क्या चीज हमने नहीं देखा वो ट्रैफिक में, मतलब ट्रैफिक में ऐसे समोसे बिक रहे हैं, मतलब लोग खा रहे हैं, पानी पी ले रहे हैं खरीद के, मतलब कुछ भी हो रहा है। मतलब एक एक घंटे के लिए एक एक ट्रैफिक में सब कुछ, गाड़ी वाड़ी बंद करके आपस में लोग गाड़ी से निकल के बात भी कर रहे हैं आराम से, सब कुछ हो रहा है। कितना बार हमारे साथ हुआ था कि हुआ है कि हमारा रिक्शा वाला रिक्शा छोड़ के जाके साइड में खड़ा है और हम लोग ऐसे रिक्शा में बैठे हैं सोच रहे हैं कि कब ट्रैफिक खुलेगा, रिक्शा वाला आएगा फिर चला के जाएगा। तो ये था हम लोगों का हर जर्नी का एंड बांग्लादेश में। होप ये वीडियो, ये सीरीज, पूरा सीरीज आपको अच्छा लगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है बांग्लादेश रिलेटेड या फिर वीजा रिलेटेड या फिर एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू टेल अस, तो कमेंट में प्लीज़ पूछिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और ये बेल आइकन दबाइए सो दैट जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे और आपके पास लाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।